तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी साथियों के अच्छे होंगे। दोस्तों, सरल टास्क जो एप्लीकेशन है भाई, मैंने इसके बारे में सबसे पहले वीडियो बनाया था जब आई थी एप्लीकेशन, लगभग 19 तारीख को ही आई थी एप्लीकेशन। तो मैंने वीडियो बनाया था, बाकायदे टेलीग्राम पे बताया भी था कि ये एप्लीकेशन ठीक है, पेमेंट दे रही है। लेकिन अब क्या हुआ, कितने दिन चलेगी, क्या पेमेंट दे रही कि नहीं दे रही है, विड्रॉल में प्रॉब्लम आ रहा है काफ़ी लोगों को, क्या इसका फंडा है। मैंने पूरा कस्टमर से बात किया और पूरी तरह से इसका जांच पड़ताल किया, क्या यह पेमेंट देगी, अब कितने दिन चल सकती है, मिनिमम विड्रॉल बढ़ा दिया है भाई, क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ बताऊंगा इस एप्लीकेशन में, अब क्या फंडा होने वाला है। कुछ लोग बोल रहे थे इन्वेस्ट करें या नहीं करें, तो भाई वो भी मैं यहीं पे क्लियर करने वाला हूँ, सब कुछ बताऊंगा। बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो, और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, फिर सर्च बार में सर्च कर लीजिए, टेक विथ विजय हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसमें ज्वाइन हो जाओ। देखो यार, ज्वाइन होने से फायदा ये होता है कि जो भी अपडेट होता है सब कुछ बताता रहता हूँ, कोई एप्लीकेशन लॉन्च होती है, कोई पेमेंट प्रूफ होता है, सब कुछ यहीं पे मिलता है। देखिए वीडियो मैं बना के दे देता हूँ, लेकिन पेमेंट प्रूफ तो यहीं पर दिखाता हूँ भाई, आप यहाँ पर ज्वाइन रहोगे तो सारा पेमेंट प्रूफ आप यहीं पर देखोगे, ठीक है। जो वीडियो अपलोड होती है वो भी यहीं पर डाल देता हूँ, तो आप लोग ज्वाइन जरूर हो जाओ। और अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दाब लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अर्निंग्स रिलेटेड आपको तमाम वीडियो मिलती रहती हैं। तो देखो दोस्तों, ये एप्लीकेशन जो है यार लॉन्च हुई थी लगभग 19 तारीख को, और आज हो गए 8 तारीख, हमारे ख्याल से 18 से 19 दिन ये एप्लीकेशन हो गया, और अच्छी खासी अर्निंग दे रहा था। ऐसा है नहीं कि अर्निंग नहीं दे रहा था भाई, पेमेंट भी दिया सभी को, और मिनिमम विड्रॉल इसका 500 था करीबन, और सभी लोग यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग किए, जितने हमारे दोस्त यहाँ पे इन्वेस्ट किए थे सब लोग अच्छी खासी प्रॉफिट किए। लेकिन अब क्या इसका फंडा है, क्या इसमें रीजन है, तो वो चीज़ मैं बताऊँगा। सबसे पहले देखो यार, मैं मी के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर देखो मेरे क्लेम कर लेता हूँ, 27 रुपये हुए हैं, तो मैं क्लेम कर लिया भाई। उसके बाद देखो यार, मेरे वॉलेट में यहाँ पे हो गया 1444 रुपये। चलो मैं विड्रॉल पे क्लिक कर देता हूँ सिंपल सा, और यहाँ 1444 रुपये मैं डाल देता हूँ, ठीक है। मैंने अपना विड्रॉल पासवर्ड डाल दिया, यहाँ कंफर्म मैं सिंपल सा क्लिक करता हूँ। देखो यहाँ पे लिख किया गया द विड्रॉल, ऐसे द विड्रॉल अमाउंट कैन नॉट लेस देन 2000, ठीक है। तो अब इसका मतलब कि मैंने 1444 का विड्रॉल लगा, पेमेंट नहीं आया, अब क्या रीज़न है। मैंने सिंपल सा कस्टमर के पास मैसेज किया कि भाई ये प्रॉब्लम आ रहा है, देखो यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट मिल जाता है, और मैंने कस्टमर के पास सिंपल सा गया और यहाँ पे क्लिक किया और मैसेज कर दिया कस्टमर को, ठीक है। मैंने बोला हेलो सर, प्लीज़ हेल्प मी, मैंने इसके स्क्रीन शॉट भेज दिया, मैं 1158 का लगाया था सुबह सुबह 10 बजे, ठीक है। देखिए 10:10 पे मैंने मैसेज किया, मैंने लिखा वाई प्रॉब्लम सर, फिर लिखा प्लीज़ हेल्प मी सर, फिर इन्होंने लिखा एट द रिक्वेस्ट ऑफ द यहाँ पे टैक्सन डिपार्टमेंट आल मेंबर विड्रॉल आर यूनिफाइड एट 2000, ठीक है। इसका मतलब यह है कि मतलब सभी का जो विड्रॉल है वो 2000 रुपये कर दिया गया है, यानी इसका मिनिमम विड्रॉल अब 2000 रुपये हो चुका है भाई। तो अब काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि भाई 2000 इसका मिनिमम जब विड्रॉल हो गया तो क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो चीज़ बताऊँगा। देखो यार, सभी लोग जितने लोग शुरू में स्टार्ट किए थे सभी लोग अच्छी खासी अर्निंग कर लिए भाई, और काफ़ी हमारे दोस्त पूछ रहे थे, मैसेज भी कर रहे थे कि भाई ये तो मैंने काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग कर लिया यहाँ से, क्या अब मैं फिर से इन्वेस्ट कर दूँ कि नहीं, आप एक बार बोल दो कि इन्वेस्ट कर दो तो मैं फिर से इन्वेस्ट कर दूंगा। तो भाई मैंने सभी को बोला था कि अब किसी को इन्वेस्ट नहीं करना है, जो कर लिए भाई यही चीज़ होता है, लालच बुरी भला होती है, बाद में नहीं करना चाहिए। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि भाई इन्वेस्ट कर देता हूँ, 15 दिन का रिस्क ले लूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पर प्रॉफिट कर जाऊँगा। तो भाई मैं बोल दिया कि किसी को अब इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि भाई अब 2000, अब एक चीज़ मैं बता दूं, मेरा 1444 हो गया है, मेरा 2000 हो सके तो आज हो जाएगा, अगर हो जाएगा तो मैं विड्रॉल करूंगा, अगर मेरा पेमेंट आ जाएगा तो मैं बता दूंगा कि 2000 पेमेंट दे रहा है। लेकिन भाई उसके बाद भी किसी को रिचार्ज नहीं करना है, मैं बार बार बोलता हूँ भाई, और काफ़ी दिन से मैं बोल भी रहा था टेलीग्राम पर कि किसी को रिचार्ज नहीं करना है, जब प्रॉफिट में हो जाओ तो रिचार्ज करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शुरू शुरू में कोई भी एप्लीकेशन आपको पेमेंट देती है, लेकिन बाद में आपको पेमेंट अगर दे दिया तो आप सोचते हो यार ये तो मैं पा गया, चलो इसको भी फिर से इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो फिर वही दिक्कत हो जाती है। एप्लीकेशन अगर आफल लेकर के आती है या फिर कुछ प्रॉब्लम आने लगता है तो उसका दिखने लगता है क्या नहीं। इसके पहले एक ओमनीकॉन एप्लीकेशन आई थी, सेम इसी तरह थी, और उसने भाई 1 महीने चल के गई थी, और ये एप्लीकेशन लगभग 18 से 19 दिन चल के गई है।
तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी गई नहीं है, मतलब कि जा ही जाने ही वाली है, मतलब इसकी विदाई होने वाली है, आप लोग समझ गए होंगे। जिसका 2000 हो जाएगा विड्रॉल लगा लेना। अब देखो यार, सबसे पहली बात तो देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ भाई, टेलीग्राम पे मस्ट ज्वाइन हो जाओ। देखो टेलीग्राम पे ज्वाइन होने से फ़ायदा यही होता है कि देखो यहाँ पे मैंने विड्रॉल लगा सुबह के 10 बजे, मैंने यहाँ पे मतलब मैसेज कर दिया कि भाई देखो यहाँ पे लिखा है मैंने सरल टास्क टूडे, सरल टास्क ऐप न्यू अपडेट, मिनिमम विड्रॉल 2000, डोंट रिचार्ज, अब सभी लोग प्रॉफिट में होंगे। तो भाई यहाँ पे मैंने बता दिया कि अब सभी लोग प्रॉफिट में हो और अब किसी को रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई टेलीग्राम में ज्वाइन होने से बहुत बड़ा फ़ायदा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में लेगी या फिर सर्च बार में जाओ और वहाँ पर सर्च करो टेक विथ विजय, TECH विथ विजय, ठीक है, यहाँ पर आप सर्च कर लो, आप ज्वाइन हो जाओ। अब देखो यार बहुत से लोग यहाँ पे मतलब इन्वेस्ट किए थे, जो लोग लास्ट में किए होंगे बहुत देर में किए होंगे वो भी प्रॉफिट में होंगे, ठीक है। तो उसके बाद तो मेरे नहीं लगता कि बाद में बहुत लास्ट में कुछ लोग किए होंगे, तो वही लोग थोड़ा बहुत लॉस कर सकते हैं। भाई 2000 का इंतजार करो, अगर आपके वॉलेट में 2000 हो जाता है तो आप विड्रॉल लगाना। आई होप कि पूरा फंडा समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरे लास्ट में कहने का मतलब यही है कि भाई भूल करके भी कोई यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेगा, ये चीज़ गांठ बांध लो यहाँ पे, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, मैं यहाँ पे अलर्ट कर रहा हूँ कि किसी को रिचार्ज नहीं करना है, पेमेंट देता है तो ले लो, नहीं देता है तो जाने दो, बाय बाय टाटा, ठीक है। कोई हमेशा के लिए नहीं होता है और कोई भी एप्लीकेशन आती है उसको भागना ही होता है एक दिन, ठीक है। तो आप लोग अर्निंग कर लिए, अब छोड़ो जाने दो, लेकिन भाई किसी को रिचार्ज नहीं करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। आई होप कि सब कुछ समझ में आ गया होगा, अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट करो। चलो मिलते हैं किसी एक बढ़िया वाली वीडियो में धमाकेदार, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।